नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरे YouTube के चैनल ब्रजेश भंडारी में, और जिसमें सीरीज चल रही है एक और वार्तालाप। और एक और वार्तालाप में हमारे आज के मेहमान हैं प्रांशु कुकरेती जी। प्रांशु कुकरेती जी दिल्ली का एक जाना माना नाम है, इंडियन क्लासिकल सिंगर हैं, ट्रेंड सिंगर हैं, जो कि दिल्ली ही नहीं देश के कई अन्य इलाकों में वह परफॉर्म कर चुके हैं, और यहाँ तक कि वह विदेशों में जाकर भी परफॉर्म कर चुके हैं। वह पिछले काफ़ी लंबे समय से इंडियन क्लासिकल सीख रहे हैं, बहुत अच्छी आवाज़ के मालिक हैं, बहुत अच्छा गाते हैं। आइए उनका स्वागत करते हैं, प्रांशु कुकरेती जी। तुम बिन नहीं लागे मोरा जिया सांवरिया आ जा रे सांवरिया तुम बिन नहीं लागे तुम बिन नहीं तुम बिन नहीं लागे मोरा जिया सांवरिया आ जा रे सांवरिया। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरे प्रोग्राम एक और वार्तालाप में, और एक और वार्तालाप में हमारे आज के मेहमान हैं प्रांशु कुकरेती जी। प्रांशु कुकरेती जी दिल्ली के एक जाने माने कलाकार हैं, जो कि एक सिंगर हैं, और जो दिल्ली ही नहीं भारत के बाहर भी और भारत के अंदर भी कई जगह परफॉर्म कर चुके हैं। मैं उनका अपने प्रोग्राम में स्वागत करता हूँ। नमस्कार। नमस्कार। तो प्रांशु, हम बातचीत की शुरुआत ऐसे करते हैं कि आपको ये म्यूज़िक का रुझान कैसे शुरू हुआ, और अपने बचपन के बारे हमें कुछ बताइए जहाँ से आपको ये रुझान शुरू हुआ। एक्चुअली मेरी बहुत एक यूनिक स्टोरी है। मेरी सिस्टर सिंगिंग करा करती थी, तो हम लोग जब एक साथ इकट्ठा होते थे तो वो गाती थी, तो जब वो गाती थी तो उसे बहुत ज़्यादा अप्रेजल मिलता था, मतलब लोग उसे कहते थे कि अप्रिशिएट करते थे बहुत ज़्यादा। तो अब वो चीज़ मेरे को लगा कि मेरे को भी चाहिए, तो मेरे को लगा कि मेरे को सीखना चाहिए, मेरे को भी ऐसा, मेरे को भी अप्रिसिएशन चाहिए, मेरे को भी लोगों की अच्छी तारीफें सुनना है। तो वहाँ से मेरा सफ़र स्टार्ट हुआ। बिल्कुल जब मैं सेकंड थर्ड क्लास में था, फिर मैंने थोड़ा बहुत गुनगुनाना शुरू किया, जहाँ मेरी सिस्टर इनिशियली सीखती थी, हमारे बिल्कुल यंग में गुरुजी थे जो कि हमारे घर आते थे, उनसे मेरी सिस्टर सीखती थी, उन्हीं के पास मैंने भी स्टार्टिंग करी। देन समर वेकेशंस होती हैं, समर वेकेशन में हम दोनों ने नेशनल बाल भवन में एडमिशन ले लिया। नेशनल बाल भवन में, तो हाँ, वहाँ पे नेहादी करके सिखाते हैं वो, उन्होंने हमारे को इनिशियली वहाँ पे सिखाया, चीज़ें करी वहाँ पे। फिर हम लोग उनके कॉयर का हिस्सा हो गए, नेशनल बाल भवन के कॉयर का। और नेशनल बाल भवन के कॉयर का हिस्सा होने के बाद मैं उसमें सबसे यंगेस्ट बच्चा था, बाकी सब बिल्कुल, मैं 7-8 ईयर्स का होऊंगा, सबसे यंगेस्ट जो है बिल्कुल कोने में खड़ा होता था, बाकी सब बड़े बड़े। तो बस ऐसे जर्नी मेरी स्टार्ट हुई थी। तो उस टाइम पे जब आप परफॉर्म करते थे तो क्या गाते थे, मतलब एक गायकी में तो बहुत सारी शैली है ना, तो आप क्या गाते थे उस टाइम? तो इनिशियल जब मैंने स्टार्ट किया था तो दो डाइवर्जन में मेरा डिवाइडेड है। जैसे बालभवन में हम लोग बालभवन के कंपोज सॉन्ग्स ही आगे गाते थे एज अ ग्रुप, और अलग से मैं स्टेज परफॉर्मेंसेस भी कर रहा था तब। तो इनिशियल जब मैं छोटी एज में था तो मैं बॉलीवुड सॉन्ग्स बहुत गाता था, बॉलीवुड रॉक टाइप सॉन्ग्स, बदन पे सितारे लपेटे हुए, ऐसे इस टाइप के गाने बहुत ज़्यादा मैंने बचपन में बहुत ज़्यादा गाए हैं, बहुत बड़े बड़े स्टेज पे गाए हैं, दिल्ली से बाहर, दिल्ली स्ट्रीट फूड वगैरह, एकता मिशन करके एक कॉम्पिटिशन होता है, उसमें मैंने बचपन में बहुत बार गाया। उसमें हमारे को बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करा था जसपिंदर नरूला, एक सिंगर है, उन्होंने हमारे को बहुत अप्रिशिएट किया था जब एकता मिशन में हम छोटे छोटे बच्चों ने एक गाना गाया था, प्यार हमें किस मोड़ पे ले आया, जो कि चार लोग ने मिलके गाना गाया था, प्यार हमें किस मोड़ पे ले आया। दो लाइनें अगर इस गाने की हो जाए,
प्यार हमें किस मोड़ पे ले आया, कि दिल करे हाय हाय कोई ये बताए क्या होगा, बिरारी रारा प्यार। तो इस बचपन में इस टाइप के हमने बहुत अच्छा, ये आपकी आवाज़ बड़ी अच्छी है, बहुत अच्छा लगा मुझे सुन के, आवाज़ अच्छा। थैंक यू। अच्छा तो फिर ये सफ़र फिर आगे कैसे बढ़ा? मतलब ये तो आपका एक ये था कि आपने जैसे दीदी को देखा आपको, जी 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 जी, क्यूरियोसिटी, उसको एक मीठी वो बोलेंगे, बिल्कुल बिल्कुल बोल सकते हैं आप, बोल सकते हैं, वो मेरे को भी चाहिए थी, एक क्यूरियोसिटी होती है, बिल्कुल सही बात है, जो अगर ये कर रही है तो मैं भी करता हूं, बिल्कुल सही बात है। उस चीज के लिए फिर आपने स्टार्ट करा, मतलब उस चीज से आपने सीखना स्टार्ट करा? हां जी हां जी। प्रॉपर फॉर्मल आपने कब सीखना? प्रॉपर फॉर्मल देन मैंने 6th में, मेरे गुरुजी हैं पंडित भूरानाथ मिश्रा जी, लक्ष्मी नगर रहते हैं वो, बनारस घराने से बिलोंग करते हैं, बहुत ही जानी मानी हस्ती हैं, बहुत ही उच्च फनकार हैं, उनके पास मेरे को सौभाग्य मिला उनके पास सीखने का बिल्कुल बचपन में, और मैं भी वहाँ पे सबसे छोटा बच्चा था जिन्होंने जिनको गुरुजी ने सिखाना शुरू किया, सबसे छोटा बच्चा, तो क्योंकि वो छोटे बच्चे सिखाते नहीं थे, उनकी नॉलेज इतनी ज़्यादा थी क्योंकि वो इम्पार्ट करना, तो फिर वहाँ से मेरी क्लासिकल की जर्नी शुरू हुई। अच्छा फिर आपने तो क्या उम्र रही होगी आपकी जब आप क्लासिकल आपने सीखना स्टार्ट करा? एक्चुअली क्लासिकल तो मैंने स्टार्टिंग से शुरू कर दिया था, जब मैं बिल्कुल म्यूजिक स्टार्ट किया था मेरा बिगनिंग ही क्लासिकल था, बट जो फॉर्मल ट्रेनिंग मैं बोलूँगा प्रॉपर क्लासिकल की तालीम वो मेरी गुरुजी के पास शुरू हुई इन 5th-6th क्लास में। अच्छा 5th-6th, हाँ जी, तब आपने, तब मैंने गुरुजी के पास शुरू करा। अच्छा मैं आपसे ये पूछूंगा यहाँ पर कि जैसे क्लासिकल जो होता है वो तो बहुत टफ होता है, जी जी, और जो 5th-6th का बच्चा होता है उसका मन बड़ा चंचल होता है बिल्कुल, तो उसको क्लासिकल में कैसे आपने रखा? बिल्कुल बिल्कुल, तो आपके लिए बड़ा टफ, बहुत टफ रहा था इनिशियली, मैं बहुत बड़ा, मेरे को गॉड का गिफ्ट है कि मेरे को आवाज़ बहुत अच्छी दी है और मैंने उतनी मतलब मेहनत करी है, बट मेरा रुझान इनिशियली नहीं था क्लासिकल की तरफ, इनिशियली जब मैं बचपन में था तो मैं बस परफॉर्म करना, स्टेज को कैसे मेरे को ऑडियंस को अट्रैक्ट करना है वो मेरा पहला मोटिव रहता था, बट जब मैं फिर मैंने सीखना शुरू किया तो मैं मतलब चंचलता थी, बट जो क्लासिकल सीखने से ना एक ठहराव आता जाता तुम्हारी अंदर, तुम जैसे प्रोग्रेस करते जाओगे ना तुम विनम्र होते जाते हो, शांत, तुम्हारा नेचर में भी फर्क परिवर्तन आना शुरू करता है, तो बस वही है, इनिशियल मैं थोड़ा चंचलता था ही, तो मैं गुरु जी से अलग अलग मुश्किल मुश्किल राग भी सीख लेता था जो कि नहीं सीखने चाहिए मेरे को, स्टार्टिंग छोटे राग हमेशा सिंपल राग से सीखने, पूरे स्वर के जो राग होते हैं उससे हमारे को स्टार्ट करना चाहिए हमेशा, तो बाकी गुरु जी ने मेरे को बहुत फ्रीनेस दी, मैं जो राग बोलता था उन्होंने वो मेरे को सिखा देते थे, बिल्कुल बिल्कुल, आज तक उन्होंने मेरे को कभी मना नहीं किया, मैं जो ठुमरी कहता था चाहे मैं बचपन में मेरी मुर्कियाँ नहीं लग रही हैं बट वो मेरे को बहुत प्यार से बहुत अच्छे से उसका ओवरव्यू दे देते थे, तो मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ उसके लिए। तो फिर ये सफ़र जो 5th-6th से जो सफ़र स्टार्ट हुआ और हाँ जी फॉर्मल ट्रेनिंग स्टार्ट हुई, उसके बाद ये सफ़र फिर आगे कैसे बढ़ा और आगे आपने क्या क्या करा? जी जी जी, अब जैसे 5th-6th में मैं मतलब उस टाइम मैं बालभवन भी जा रहा था और मैं अलग स्टेज शोज भी कर रहा था बाहर जाकर वृंदावन वगैरह अलग से, तो गुरु जी के पास मेरी ट्रेनिंग चल रही थी साइड बाई साइड में, बालभवन से अलग अलग जगह मैंने परफॉर्म किया जैसे विज्ञान भवन, 3 मूर्ति भवन, प्रेजिडेंट हाउस, ब्रेवरी अवार्ड्स, इन सब में मैंने परफॉर्म किया है कॉयर के साथ, प्रेजिडेंट हाउस, बाल भवन के थ्रू आप करते? जी जी जी, बालभवन का एक कॉयर है तारुण्य करके, तारुण्य करके, उसके साथ हम परफॉर्म करते थे, ये मैं कॉयर के साथ परफॉर्म करता था, वहाँ पे एडिशनल मीट्स भी होती थी, बाहर के लोग भी आते थे ऑल ओवर इंडिया से, उन लोग के साथ अलग 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 जॉनर को एक साथ मिक्स करना वो भी मैंने देखा, जैसे हमस्वनी एक राग है, हमस्वनी एक राग हिंदुस्तानी में भी है और वो कर्नाटक से डिराइव्ड है, तो एक वहाँ से साउथ से लोग आए थे उन्होंने अपनी बंदिश कर्नाटक में गाई, हम लोगों ने हिंदी में गाई, उसका हमने फ्यूजन करा था, फ्यूजन करा, जी जी, तो वो भी चीज़ थी वो मैंने वहाँ सीखी, फिर देन साइड बाय साइड मैं स्टेज शोज कर रहा था, जी जी बिल्कुल कंटिन्यूअस। किसके साथ कर रहे थे? वो एक मेरे सर हैं प्रवन श्रीवास्तव सर, उनके अंडर मैं कर रहा था, कमर्शलाइज आया प्राइवेट शोज ही आया, तो प्राइवेट शोज में मैं अलग अलग जगह परफॉर्म कर रहा था, फुल मतलब बिल्कुल बॉलीवुड, प्रॉपर बॉलीवुड, बदन पे सितारे लपेटे हुए, हम्मा हम्मा, मुझसे शादी करोगी, बहुत सारे गाने हैं, तो ये मैं परफॉर्म करता था और मैं बिल्कुल एज अ रॉक स्टार परफॉर्म करता था, एक छोटा बच्चा पूरे ऑडियंस को साथ में लिखे, श्रीफोर्ड वगैरह मैंने बचपन में ही परफॉर्म कर दिया, बिल्कुल 10 साल की स्ट्रेंथ होगी मैंने श्रीफोर्ड परफॉर्म किया, बहुत सारे और भी हैं, अशोका होटल, मैंने अलग अलग जगह परफॉर्म किया। अच्छा मैं आपसे यहाँ पर ये सवाल पूछूँगा कि एक बच्चा जी जो 5th-6th में पढ़ता है, जी जी 10-12 साल का होगा, जी जी बिल्कुल, वो बदन पे सितारे भी गा रहा है, जी ठीक है, वो ठुमरी भी गा रहा है, जी ठीक है, और वो
बाल भवन के थ्रू क्लासिकल वहाँ पे फ्यूजन भी कर रहे हैं। तो उसमें आप मतलब उसमें आपकी पर्सनैलिटी कैसे वो होती थी, मतलब मैं आप स्विच कैसे करते थे? हाँ वही मतलब है वो उसमें चीज ये है ना कि मैं वही जानना चाह रहा हूँ कि मतलब एक बंदा ये भी गा रहा है वो भी गा रहा है एक्चुअली अब तो स्विच कैसे करते? बिल्कुल बिल्कुल नहीं, एक्चुअली बहुत बड़ा रोल इसमें मेरे घर वालों का है। उन्होंने मेरे को ना कभी मैंने आज तक कभी मतलब कार्टून ज़्यादा देखे नहीं है, उन्होंने मेरे को हमेशा इस चीज़ में मोल्ड करके रखा। तो वो चाहते थे म्यूज़िक में हर फील्ड को मैं एक्सप्लोर करूँ, बॉलीवुड गाना तो कभी मैं मेरी वर्सटैलिटी बनी रहे हमेशा। वो ये चाह उनका इनिशियल से ये था, मेरी मम्मा का स्पेशली वो बहुत प्रमोट करती थी, उन्होंने उनका मन था कभी बचपन में गाने का बट उन्होंने मेरी तरफ पूरा करा। तो बचपन में जैसे वो मेरे को हमेशा बोलती थी कि यू शुड बी एबल टू सिंग क्लासिकल सेमी क्लासिकल एंड बॉलीवुड ऑल टुगेदर, मतलब हमेशा किसी एक सेंटर्ड फील्ड पे आप फोकस नहीं होने चाहिए। तो वो मतलब अब जैसे मैं क्लासिकल गाता था तो मैं उतना अच्छा नहीं गा, इनिशियल बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं गा पाता था, वो मेरी ट्रेनिंग फेज में था मैं क्योंकि, और तो मैं सीखता था, मेरे को समझ आता था पर कि कौन सा राग चल रहा है, मैं राग की पहचान कर लेता था। मम्मा का मेरा बहुत सपोर्ट रहा है इनिशियल से ही, स्टार्टिंग से ही मम्मा मेरी सब चीज़ बैलेंस करती थी हमारे को, मेरी म्यूज़िक क्लास से लेके फिर मेरे को कहीं कॉम्पिटिशन हो रहा है तो वहाँ ले जाना, कॉम्पिटिशन से लेके कहीं मेरा परफॉर्मेंस है वहाँ ले जाना। ऑल्सो बचपन में मैंने एक भोजपुरी फिल्म के लिए भी गाया, भोजपुरी फिल्म के लिए जी कौन सा गाना गाया है वो उसका टाइटल सॉन्ग था भोजपुरी फिल्म का, बिल्कुल उसमें उदित नारायण इन सब ने भी गा रखा था। अच्छा। उदित नारायण, जावेद अली और उसमें मेरा मेन सॉन्ग था, तो वो भी उसकी रिकॉर्डिंग मेरे पास पड़ी है बट मतलब बिल्कुल ही बचपन में था, वो भी एक अलग एक्सपीरियंस था। भोजपुरी फिल्म का नाम अगर आपको याद हो तो गड़बड़ घोटाला उसका मेन सॉन्ग था, टाइटल सॉन्ग कैसी मुसीबत कैसा जाला होने वाला है गड़बड़ घोटाला। तो इस पोर्शन में ऐसे गाया था, तो वो भी एक बहुत यूनिक एक्सपीरियंस था मेरे लिए स्टूडियो में रिकॉर्डिंग का बचपन में, बिल्कुल 5th 6th में। तो और जैसे मैं वॉकआउट कर रहा था मैंने देखा उदित नारायण जी एंटर कर रहे हैं, तो उनसे भी मुलाकात हुई थी मेरी उस टाइम रिकॉर्डिंग के टाइम। फिर देन तो इसमें जैसे मैं मम्मा की बात कर रहा था, वो उन्होंने उनका मेरे को सपोर्ट करना बहुत वो चीज़ थी, मतलब क्योंकि शी वॉज़ वर्किंग एज अ टीचर, देन वो ट्यूशन्स भी ले रही थी साथ में, हमारे को मैनेज करना, हमारे को यहाँ से नोएडा भगाना कभी इधर भगाना, तो उनका बहुत सपोर्ट रहा है, तो उनकी वजह से मैं बहुत सब चीज़ कर पे बैलेंस कर पाया। अच्छा मैं यहाँ पे आपसे पूछना चाहूँगा कि क्या आपने मदर और फादर का नाम हमारे दर्शकों को बताना चाहेंगे? जी मेरे पिताजी का नाम है कैलाश चंद कुकरेती एंड मम्मा का नाम है रंजना कुकरेती, बोथ आर MSc MPhil और दोनों एक टीचर हैं और एक गवर्नमेंट जॉब है। ओके तो ये सफ़र फिर आपका जैसे बचपन में ये चल रहा था, उसके बाद ये सफ़र आगे कैसे बढ़ा? ये आगे बढ़ा मैं जैसे परफॉर्म करता गया बट मेरा थोड़ा रुझान क्लासिकल में ज़्यादा होता रह गया, मैं थोड़ा उस तरफ मतलब स्टेज शो मेरे थोड़े कम होते गए, मतलब मैं थोड़ा मुझे लगा कि मेरे में थोड़ा ठहराव आना शुरू हुआ। फिर जैसे हमारी वॉइस चेंज भी होती है हमें वॉइस में, हाँ बचपन में एक हाई वॉइस हाई पिच वॉइस होती है, देन तुम्हारी मैच्योर वॉइस होती है जहाँ तुम्हारी जो तुम्हारी रेगुलर जो तुम्हारी आगे तक चलती है, तो उस फेज़ में मेरा थोड़ा स्टेज शोज़ का कम हो गया था बट मैं कर रहा था तब भी अलग अलग शोज़ कर रहा था बट उस हिसाब से मेरे को सॉन्ग्स मिलते थे। तो देन 10th ऑनवर्ड्स मेरा JEE की प्रिपरेशन शुरू हो गई, उसकी वजह से मेरे को ये सब चीज़ें छोड़नी पड़ी। अच्छा ऑलमोस्ट सब मैं गुरुजी के पास जा रहा था बस, वो भी बहुत महीने में एक दो बार मुश्किल से जब उनके पास टाइम होता था, बाकी फिर क्योंकि मेरी मॉर्निंग 9 to 5 क्लासेस चलती थी पूरे टाइम। कौन से इंस्टीट्यूट में है? मैं नारायणा में था, नारायणा IIT पंजाब विभाग, देन उसके साथ मैंने प्रिपेयर करा, मतलब वो प्रिपरेशन चली मेरी 12th तक, देन उसके बाद जैसे रिजल्ट आया तो मेरे को DU एडमिशन मिल रहा था, मेरे को इधर इंजीनियरिंग के लिए भी एडमिशन मिल रहा था, तो मैंने ECA कोटा ECA भी दिया बट मेरा प्रैक्टिकल अच्छा था बट मेरे पास सर्टिफिकेट्स नहीं थे क्योंकि सारे सर्टिफिकेट्स 10th 11th 12th में मानते हैं, और उस टाइम मैंने बिल्कुल परफॉर्मेंस ज़ीरो कर रखी थी अपनी। तो देन फिर मैंने DTU एडमिशन लिया, वहाँ पर मेरे को जब मैं आया तो मेरा म्यूज़िक का वो जो बचा अंदर था जो मैं कर रहा था तब तक मेरा गॉड गिफ्ट से ही, मतलब मेरी गले में हरकतें थी थोड़ी बहुत, मतलब रियाज में कर रहा था बट बहुत ज़्यादा नहीं। तो उसके बाद जैसे कॉलेज में आया तो कॉलेज में मुझे एक बहुत अच्छा माहौल मिला म्यूज़िक सोसाइटी के रूप में, हमारे सीनियर्स थे विनायक भैया वगैरह, बहुत अच्छे सीनियर्स, मतलब जिन्होंने मेरे अंदर का टैलेंट देखा, मैं उनको पता था कि मैं इतना कर चुका हूँ एक टाइम पर, मैं इतना अच्छा कर चुका हूँ। तो जब मैंने ऑडिशन दिया तो वो लोग बहुत खुश हुए क्योंकि
फिर वहाँ से एक अलग सिलसिला शुरू हुआ म्यूजिक का। फिर वो जो रुका हुआ म्यूजिक था वो बिल्कुल 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 स्टार्ट हो गया। फिर इंजीनियरिंग भी चलती रही, इंजीनियरिंग भी चल रही है साथ बाय साथ। अभी मैं वाइस प्रेसिडेंट हूँ सोसाइटी का, मैंने एकेपेला करा है, मैंने इंडियन कॉयर करा है। एकेपेला इज मतलब तुम परफॉर्म करते हो विदाउट एनी इंस्ट्रूमेंट्स, इंस्ट्रूमेंट्स की बवास तुम खुद से निकालते हो, तो वो सब किया मैंने। बहुत अच्छे अच्छे एक्सपीरियंस ले लिए उस फेज। प्रांशु जी, यहाँ पर मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि ये जो आपकी एक जर्नी जो चल रही है जी, इस जर्नी में आपने जब हमारी शुरू में बातचीत हुई थी तो आपने बताया था आपने बाहर भी परफॉर्म करा है, इंडिया के बाहर भी परफॉर्म करा है, और तो आपने कहाँ कहाँ परफॉर्म करा है अपने हमारे दर्शकों को अगर बताना चाहें। जी जी, जैसे मैंने नेशनल बावलिन के थ्रू जब मैं 2010 में मेरे को स्कॉलरशिप मिली थी कि मैं मलेशिया जाके परफॉर्म कर लूँ, वो एक कल्चरल मीट थी 7 कंट्रीज की एशिया की। तो इंडिया को रिप्रेजेंट कर, वहाँ हमने इंडिया को रिप्रेजेंट किया था। तो वहाँ पे एज अ ग्रुप हम लोग गए थे जिसमें हाफ लोग हमारे भरतनाट्यम कर रहे थे और मैं उसमें लीड वोकलिस्ट था। तो मैंने हमने राग जोग में करा था पीस, देन वो भी एक हमने हमारा लंच हुआ था प्राइम मिनिस्टर के साथ, उन्होंने हमारी हमारे से बातचीत करी थी बिल्कुल प्रॉपर। हमारा मतलब बहुत अच्छा स्टेज था वो एक परफॉर्मेंस के लिए। हम लोग का पूरा HRD मिनिस्ट्री से फंडेड था पूरा सफ़र, तो इसमें मेरे को बहुत नॉलेज मिला एक स्टेज प्रेजेंस का। हमारा स्टेज मलेशिया का नंबर 1 स्टेज था जो कि मूवेबल स्टेज था। अच्छा, मूवेबल। जी जी जी, चाइना ये फॉर्म में जैसे पीछे जा रही होती थी, मैं गाते हुए ऐसे ऊपर आ रहा होता था। तो ये बहुत मेरे लिए यूनिक एक्सपीरियंस था वो भी बचपन में कि मैंने ऐसा देखा, और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस, लोगों ने बहुत अप्रिशिएट किया हमारे को कि इंडिया परफॉर्मेंस माउलस। तो ये सिस्टम था। और उसके अलावा और आप उसके अलावा अभी 2019 में मेरे को फिर से स्कॉलरशिप मिली थी, मेरे को ब्राज़ील जाने की स्कॉलरशिप मिली थी। वहाँ पे इंडिया से दो लोग को स्कॉलरशिप मिली थी, एक हिमांश है, हिमांश पांडे मेरा फ्रेंड है, बहुत अच्छा वो फ्लॉटिस्ट है, फ्लूट बजाता है, बहुत अच्छा फ्लूट बजाता है, और प्रसन्ना जी से सीख रहा है, वो बहुत बड़े दिग्गज नाम है। तो हम दोनों इंडिया को रिप्रेजेंट करने ब्राज़ील गए थे। वहाँ पे ये होता है कि अलग अलग कंट्री से अलग अलग लोग आते हैं, 15 बाहर के लोग और 15 उसी कंट्री के लोग, और वो एक साथ मिलते हैं और हर कंट्री का एक एक सॉन्ग एज अ ग्रुप तैयार करते हैं और उसको फिर अलग अलग जगह परफॉर्म करते हैं, 4-5 जगह उसी कंट्री में। तो वहाँ पे भी मेरा इतना बड़ा सौभाग्य रहा कि मेरे को इतने अच्छे अच्छे लोग मिले, क्योंकि वहाँ आई वॉज़ द स्मॉलेस्ट ऑफ द लॉट, मैं सबसे छोटा बच्चा था वहाँ पे, बाकी सब की एज 26-24 ऐसे रेंज में थी। तो वहाँ पे भी सब ऑल टाइम म्यूजिशंस थे, फुल टाइम म्यूजिशंस जो कि अपनी फील्ड में बहुत ज़्यादा एक्सेल कर चुके हैं, बट दे अप्रिशिएटेड इंडियन आर्ट बहुत ज़्यादा। हम लोग का जो गाना था वो वहाँ सबसे ज़्यादा अप्रिशिएट हुआ, सबसे ज़्यादा लोगों ने चाहा उसे। तो क्या गाना था वो? मधुब जी की कॉम्पोजिशन है। अच्छा। मधुब जी की कॉम्पोजिशन है वो, उसमें मतलब जोग में है उनकी कॉम्पोजिशन है, वही हमने गाई थी वहाँ पे। दिम तक ते तदक दे में दोम, दिम तक ते तदक दे में दोम, तदक दे में दोम, तदक दे में दोम, दिम तक ते तदक दे में दोम, तदक दे में दगे ना दिम तक तक तदे, दिम तक ते तदक दे में दोम, तो नो नो गम बनी बसानी बप्पा ममा गा गम पा मगा मा गसा गसा, ऐसे सगम चलती थी। तो ये सिस्टम था वहाँ। अच्छा, तो मैं यहाँ पर आपसे ये जानना चाहूँगा कि आपके फ्यूचर प्लान्स क्या हैं, मतलब म्यूज़िक को लेके। मतलब एक जैसे होता है ना कि एक आप एक बच्चे की एक हॉबी होती है, जैसे आपने जब बताते कि आपने इनिशियल स्टार्ट तो करा कि दीदी गाती है तो मैं भी गाऊंगा, ठीक है, फिर आप धीरे धीरे आप स्टेज पर भी गए, बॉलीवुड भी गाया, भोजपुरी भी गाया और इंडियन क्लासिकल भी गाया और सब मतलब हर चीज़ सब जॉनर। उसके बाद फिर आपका ब्रेक भी आ गया। जी जी, ब्रेक भी। आप इंजीनियरिंग भी कर रहे हैं। जी आप। और उसके बाद फिर आपका म्यूजिक स्टार्ट हो गया, फिर आप इंडिया को भी रिप्रेजेंट कर रहे हैं। जी जी जी। तो मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि मतलब आपका फ्यूचर प्लान्स क्या है? मतलब फ्यूचर प्लान मेरा म्यूजिक एक साइड बाय साइड प्लान है मेरा, हमेशा साथ रहेगा मेरे। मेरे को इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल मैं क्लासिकल बहुत अच्छा साधना चाहता हूँ, बहुत ज़्यादा, मतलब मेरे को मैं चाहता हूँ कि मैं उसके डेप्थ तक पहुँचूँ जो कि जिसमें बहुत समय लगता है और बहुत शांत, तुम्हारे को बहुत पेशेंस चाहिए वहाँ तक पहुँचने के लिए, क्योंकि क्लासिकल गाना सबके बस की बात नहीं होती, उसको समझना सबके बस की बात नहीं होती, बहुत तुम्हारे को एक एक चीज़ माइन्यूटली फोकस करनी होती है, तब जाके तुम्हारे को थोड़ा बहुत समझ आता है। तो मेरा प्लान क्लासिकल और लाइफ टाइम है, जब तक मैं सीखता जा रहा हूँ सीखूँगा। साइड बाई साइड मेरा मैं स्टूडियो बना के अपना रिकॉर्डिंग का भी करना चाहता हूँ। तो फ्यूचर प्लान यही है कि म्यूज़िक साइड बाई साइड चलेगा फॉर लाइफ टाइम, साइड बाय साइड मेरी जॉब चलेगी। देन मेरा प्लान ये भी है कि मैं अलग अलग बाहर जाके परफॉर्म करूं, बट उस काबिल मेरे को होने में भी टाइम लगेगा। तो बस वही है, क्लासिकल ही मेरा फाइनल एम है आगे भी। तो ये थे प्रांशु दिल्ली से,
जो कि एक बहुत अच्छे सिंगर हैं और जिनसे बातें करके मुझे बहुत अच्छा लगा, और इन्होंने अपनी बहुत सारी बातें हमारे साथ शेयर करी और हर एक मेरे सवाल का बड़ा बेबाकी से जवाब दिया, सच्चा जवाब दिया, और मैं इनको ऑल द बेस्ट बोलूँगा इनके फ्यूचर के लिए। और मैं इनसे ये बोलूँगा कि आप संगीत को हमेशा अपने साथ रखिए, क्योंकि आपकी आवाज़ बहुत अच्छी है, आप बहुत अच्छा गाते हैं, तो इस चीज़ को हमेशा कंटिन्यू रखिएगा। बिल्कुल। और थैंक यू सो मच मेरे साथ अपना इतना टाइम स्पेंड करने के लिए। तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, जो कि हम ऐसे उभरते हुए कलाकारों को आपके सामने पेश कर सकें और इनको भी एक स्टेज मिल सके, जिससे कि आप लोग इन लोगों से रूबरू हो सकें। और इसी के साथ मैं इनको थैंक यू बोलूँगा और धन्यवाद।